जे चैनल पाई गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दाब दो और खबर सब तो पहला दिखावांगे माम। ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग की समस्या सीमा बढ़ाने का मामला अब विधि विभाग के पास पहुंच गया है। गृह विभाग ने इसको लेकर एडवोकेट जनरल से कानूनी राय मांगी है। आयोग की तरफ से एक बार फिर से समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग के बाद ये फैसला लिया गया है। अब इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। आपको बता दें कि अभी तक 6 बार से ज़्यादा आयोग की समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। इस बार मामला जब गृह विभाग के पास पहुंचा तो गृह मंत्री अनिल विज ने पूछा कि यह कार्यकाल क्यों बढ़ाया जाए। लंबी कसरत के बाद अब यह मामला एडवोकेट जनरल के पास पहुंचा है। यह आयोग दंगों के दौरान अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए गठित हुई प्रकाश सिंह कमेटी के अतिरिक्त है। क्या था जाट आंदोलन में, क्या क्या हुआ था? फरवरी 2016 में हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय ने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अचानक इस आंदोलन ने नेत्रहीन होकर हिंसा की शक्ल ले ली। इस वजह से 4 दिन तक प्रदेश में 8 जिलों में तोड़फोड़ और लूटपाट हुई थी, जिसके कारण काफ़ी संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। इस मामले में करीबन 30 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में आंदोलन के दौरान राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल के लिए यूपी के पूर्व DGP प्रकाश सिंह की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सरकार की ओर से कई अफसरों पर गाज भी गिरी। कुछ समय बाद सरकार का प्रकाश सिंह के साथ भी विवाद खड़ा हो गया। इस पर विपक्ष की ओर से कई सवाल खड़े हो गए। बाद में चौतरफा घिर चुकी BJP सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए झा आयोग बना दिया। इस आयोग को रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार, कैथल और भिवानी के दंगों से हुए जानमाल के नुकसान का पूरा आंकलन करने, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाओं तथा तथ्यों को सार्वजनिक करने के अलावा सबसे अहम सामाजिक ताने बाने को खराब करने के लिए रचे गए कथित षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।